नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग ने 3-4 दिन पहले भारी बारिश की चेतावनी दी थी और रेड अलर्ट और येलो अलर्ट भी घोषित किया गया था। मुंबई में निरंतर आफत की बारिश है, जगह जगह पर जल भराव हो गया है और मुंबई सहित उपनगरों में भी कई हादसे हुए हैं। 2 दिन पहले उत्तर में एक छज्जा गिरने से महिला की मौत हो गई थी, जबकि आज अभी कुछ समय पहले भाईंदरपुर रेलवे स्टेशन के सामने एक बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया है। आइए देखते हैं। 19 जुलाई शाम 6 बजे से 20 जुलाई सुबह 10 बजे तक मीरा भाईंदर में हुई मूसलाधार बारिश देखे तो 142 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई। इस बीच गुरुवार भाईंदर पूर्व के रेलवे स्टेशन के सामने कथित नवकीर्ति स्टेट बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया। यदि प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो यह घटना सुबह 10:45 बजे हुई। घटना की जानकारी मिलने पर अतिरिक्त आयुक्त अनिकेत मानेकर, उपायुक्त मारुति गायकवाड़, अग्निशमन दल के अधिकारी प्रकाश बोकाड़े, नरेंद्र चव्हाण तथा पुलिस जाप्ता घटना स्थल पर पहुंचा। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि एक रिक्शा सहित 3 लोगों के चोट लगने की खबर है। जिस बिल्डिंग का हिस्सा गिरा है उसे धोखादायक इमारतों की श्रेणी में रखा गया है, जबकि इसी बिल्डिंग में एक बार भी है जिस पर पहले भी कई बार कार्रवाई हो चुकी है। प्रश्न यह उठता है कि शहर में ऐसी कुल कितनी बिल्डिंगें हैं जिन्हें धोखादायक घोषित किया गया है, उस पर क्या मनपा कार्रवाई करेगी या और कोई घटना होने का इंतजार करेगी। यह प्रश्न इसलिए उठता है कि आज जो मीरा भाईंदर में जो हादसा हुआ है वह रेलवे स्टेशन पूर्व की टिकट बारी के ठीक सामने है और अधिकांश यह भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहां पर लोगों की काफ़ी चहल पहल रहती है। खुदा न खास्ता यदि इस विषय को लेकर कोई बड़ा हादसा हो गया होता तो शासन प्रशासन क्या करता है। जो भी है ऐसी कार्रवाई पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि हम बारिश की बात करें तो जो घोड़ बंदर का जो क्षेत्र है यहाँ पर इस शहर में जो मूसलाधार बारिश हो रही है उससे